सफेद सोने के भंडार से बदल जाएगी भारत की किस्मत। लिथियम के मामले में अब एक और देश ने दी खुशखबरी। लिथियम में दुनिया के पावरफुल देश ने दिया भारत को ऑफर। अब चिली करेगा वो काम जिसका इंतजार भारत को पहले से था। दोस्तों, फरवरी महीने की 9 तारीख को भारतीय इतिहास की सबसे गुड न्यूज मिली जब जीएसआई ने पूरी दुनिया को ये बताया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इतना ज्यादा लिथियम है जितना ना चीन के पास है, ना अमेरिका और ना ही रूस। और लिथियम आने वाले वक्त का वो खजाना है जो किसी भी देश को सुपर पावर बना देगा, आर्थिक महाशक्ति बना देगा। क्या चीन, क्या अमेरिका और क्या रूस, दुनिया के इस सफेद सोने के लिए हर देश लालायित है, मारामारी चल रही है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले वक्त में तमाम उपकरण, इंजन, व्हीकल्स और कई सारी मशीनरी तेल से चलने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए रिचार्जेबल बैटरीज की जरूरत होगी और वो बनती है लिथियम से। दोस्तों, भारत भी अब तक दुनिया से इनका आयात करता रहा है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ऊपर वाला देता है तो फिर छप्पर फाड़ कर देता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और आप सब ने सुना, जम्मू कश्मीर में भारत को 60 मिलियन टन लिथियम मिला है। और इस खजाने के मिलने के बाद भारत लिथियम के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हालांकि दोस्तों, ये तो हुई लिथियम मिलने की बात, लेकिन भारत में लिथियम मिलने के बाद दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और कई बड़े देश भारत के साथ संपर्क में जुटे हुए हैं। लेकिन अब उस देश का भारत को ऑफर आया है जो लिथियम के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर नेशन है, जो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार का रिजर्व रखता है। और दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े देश भी उस देश के आगे सरेंडर होते हैं लिथियम को पाने के लिए। अब उसी देश ने भारत से न केवल संपर्क किया है बल्कि भारत को ऐसा ऑफर दे डाला है जिसका वास्तव में भारत को लंबे वक्त से इंतजार था, या यूं मानकर चलिए कि भारत को मालावाल करने वाले लिथियम को निकालने और इसके इस्तेमाल की सटीक चाबी खुद ये देश भारत को सौंपने जा रहा है। दोस्तों, इस देश का नाम है चिली और उसने भारत को हिला देने वाली गुड न्यूज दी है। तो दोस्तों, इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सफेद सोने से बदल जाएगी भारत की तकदीर, लिथियम को लेकर भारत को मिल गई दूसरी बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, बेशक चिली के पास इतने हथियार, परमाणु मिसाइलें या फाइटर जेट्स नहीं हैं, लेकिन उसके पास जो चीज है वो है दुनिया की किसी भी शक्ति को झुकाने वाली चीज, और वो है लिथियम। बड़े बड़े देश चिली से लिथियम मांगते हैं। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि अकेला चिली ही दुनिया का 48% लिथियम रखता है। ऐसे में चीन जैसे देशों की तो बिसात ही क्या है। लिथियम की कीमत लगातार बढ़ रही है और ये भारत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत में जो लिथियम मिला है वो बेशक भारत के लिए गुड न्यूज है। आने वाले वक्त में भारत की किस्मत बदलने का मादा रखता है, लेकिन भारत के सामने उसमें भी एक बड़ी समस्या है। वो ये कि लिथियम को कच्चे माल से उपयोग करने लायक कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है जो फिलहाल भारत के पास नहीं है। दुनिया का 48% लिथियम का उत्पादक देश चिली है और ये देश चिली अब भारत के साथ वही टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, चिली अब भारत के साथ लिथियम के बारे में और जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। चिली को लेकर आप ये कह सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ है वहां का लिथियम भंडार। चिली के उत्तर में सालार डी अटाकामा में इसके विशाल भंडार है। तो वही दोस्तों, भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके के हिमाना एरिया में ये लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि किसी थर्ड पार्टी को इसका निकालने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे भारत को तकनीक के बारे में पता चल जाएगा, इसके बाद हम खुद इसका दोहन करने में समर्थ हो जाएंगे। चिली और भारत के बीच में अगर समझौता होता है तो फिर चिली लिथियम को लेकर के इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा कर सकता है। चिली के विदेश मंत्रालय के महासचिव एलेक्स वेडजिंग ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि अगर भारत सरकार लिथियम निकालने की प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन से कुछ भी शुरू करना चाहता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से चिली की बैठक हुई थी। इस दौरान बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, माइनिंग, एजुकेशन जैसे तमाम विषयों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, चिली की सरकार चाहती है कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाए। उनका मानना है कि भारत बढ़ता हुआ बाजार है, लिहाजा उनकी इसमें दिलचस्पी है। वो लोग चाहते हैं कि अभी जो बिजनेस के समझौते हैं उनको और बढ़ा दिया जाए।
दोस्तों चिली चाह रहा है कि व्यापक आर्थिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आगे बढ़ाकर बिजनेस एक्सचेंज कर लिया जाए। उन्होंने लिथियम की माइनिंग के लिए भी दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि SQM जैसी कंपनियां माइनिंग में मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए जरूरी है लिथियम का उपयोग, क्योंकि वो बैटरी में इस्तेमाल होता है। अगर भारत को ये सुझाव पसंद आता है तो ये बड़ी बात होगी। दोस्तों जिस कंपनी की बात चिली ने भारत से की है वो कोई मामूली कंपनी नहीं है, वो माइनिंग के मामले में काफी बड़ी कंपनी है। SQM कंपनी को लिथियम माइनिंग का तजुर्बा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी ने निवेश किया है। चिली और ऑस्ट्रेलिया के जॉइंट वेंचर्स भी हैं। चिली का रिकॉर्ड भी यही कहता है कि ये देश कई देशों की लिथियम माइनिंग में मदद कर चुका है। दोस्तों चिली ने कहा है कि अगर भारत सरकार इस कंपनी से माइनिंग करवाती है तो इसके दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि चिली और भारत के लिथियम में फर्क है, मगर कंपनी को इससे कोई परेशानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही धातु है जहां ये कंपनी पहले से ही काम कर रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि लिथियम को निकालना, इसका शोधन यानी रिफाइनिंग करना बेहद ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए काफी अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत पड़ती है। इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 6.3 मिलियन टन वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। आप समझ गए होंगे कि ये कितना कठिन टास्क है। हालांकि दोस्तों अब चिली इसकी तकनीक भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर ये डील हो जाती है तो भारत में लिथियम आयन बैटरीज सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि भारत में इसके विशाल लिथियम भंडार को निकालने में अगर कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक बैटरीज भारत में सस्ती हो जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। भारत में ये व्हीकल्स कितने सस्ते हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी बैटरी पैक की ही होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सॉन EV में लगी बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी टोटल कीमत 15 लाख रुपए है, यानी आधी कीमत की तो बैटरी ही आ जाती है। इसमें सबसे अधिक लिथियम ही काम आता है। दोस्तों ये वास्तव में भारत का इलेक्ट्रिक मिशन पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत ने टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% कारें, 70% कमर्शियल व्हीकल और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। और जाहिर सी बात है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरीज का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। फिर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम को निकालने के लिए क्या चिली से सहयोग लेने की जरूरत है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।